तो भाई ये मेरे साथ मेरा कॉलेज में आया था, ठीक है। तो इस आज एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो मैं इसको ले आया पार्क में, ठीक है। मैं नहीं कह रहा था, तूने कहा मैं करते हैं, मैं कह रहा था एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो मैं इसको पार्क में ले आया, ठीक है। अब ठीक है, चलो ठीक है भाई, पार्क नहीं भाई ऐसे वीडियो में। तो गाइस कुछ ज्यादा ही खतरनाक होने वाला है। तो भाई ये मैं सोडियम मेटल के पीसेस लेके आया हूँ, ठीक है। तो अब इसको हम डाल के देखेंगे पानी के अंदर और पानी फिर इसको क्या होता है, ठीक है। A few moments late, 2,000 years later. ये भाई हमारा गिर गया था, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, इस बार बीकर के अंदर डालेंगे। भाई ऐसे से काम करने में गिरना ही पड़ता है। तो भाई देख सकते हो आप, तुम सोडियम की ताकत, ये मेरा पूरा बीकर हो चुका है खराब, ठीक है। इस बंदे ने बहुत मेहनत करी, थैंक्स टू गिर के पड़ के मेरा एक्सपेरिमेंट्स ने पूरा करवाया, थैंक यू। तो चलो भाई मैं अब एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली कि हमारे पास जो सोडियम मेटल है वो ऐसे एक्सप्लोजिव क्यों होता है जब भी हम उसको पानी के अंदर डालते हैं। पहली बात तो ये हमारा जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण जब हम जैसे ही हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे इसका साइड प्रोडक्ट निकलता है NaOH प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब ये क्योंकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, हीट के कॉन्टैक्ट में आके क्या होती है, एक्सप्लोड हो जाती है और वो कुछ धमाके के साथ क्या होती है, फटती है।